घर से इतनी दूर अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर आखिर हम पहाड़ों में ही क्यों आते हैं? ताजो नदी किनारे शांति से बैठकर इन व्यूज को एंजॉय कर पाए। दूर किसी छोटे से गांव में किसी कैंप साइट में स्टे कर सके, रात में बोनफायर को एंजॉय कर सके। तो कुछ ऐसा ही था हमारा भी एक्सपीरियंस, जो कि आपको देखने को मिलेगा हमारे ऑफबीट हिमाचल के सेकंड एपिसोड में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग आए थे बरोट वैली में और रात को हमें एक अच्छी जगह मिल गई थी रुकने के लिए। तो हम लोग फिलहाल एक बहुत ही अच्छी कैंपिंग लोकेशन पर रुके हैं, यहीं पर रुकेंगे और अपना सभी फूड बनाएंगे। और ये आपके पीछे है, बहुत ही अच्छी कैंप साइट है, रीजनेबल प्राइस पर हमें ये जगह मिल गई है। ऐसा था कि रात हो गई थी तो हमें खुद कैंप साइट ढूंढना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि पूरा एरिया जंगल एरिया है और आगे एक फेयर होने वाला है, मेला होने वाला है, और उसकी जगह से जितनी भी आगे जो जगह थी वो सभी उसके लिए यूज़ हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर कैंप लगाना मुश्किल था। और वॉशरूम वगैरह वहाँ पर बने हुए हैं सभी के लिए कॉमन, यहाँ पर बैठने के लिए जगह है। और नीचे उस तरफ एक अलग से जगह है जहाँ पर हम लोग अपनी कुकिंग करेंगे, बोनफायर कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पर होगी भी हमारी कुकिंग और यहाँ पर करेंगे बोनफायर। और यहाँ पर एक छोटी सी जगह थी और यहाँ पर हमारा सभी सामान आ चुका है। हमारा चिल्ला तो खराब हो गया था इसलिए फिर हमें मैगी ही बनानी पड़ी। भाई माहौल एक नंबर, अग बली हुई आ, चंद्रमा ऐन नज़ारे दिता आ, तो माहौल मैं कहना सिरा। इधर बंदा इंजॉय करता गाने सुन के, इधर अग बलती है तो इधर चाह बनती है। आज भी चाह पी लो, वो भी चाय हमारी तैयार है भी। सारा काम हो चुका है, बस हमें बोनफायर इंजॉय करनी है बैठकर, और कुछ शेर व शायरी होगी सभी के तरफ से, टूटी फूटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने कल रात यहाँ पर स्टे किया था, हमें इस वक्त बरोट के पास और रोट वैली में, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है, पीछे सनराइज होने वाला है। और हम इस कैंप साइट में रुके थे कल, और अगर आपने पिछला व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज की हमारी कुछ प्लानिंग ये है कि यहाँ से जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे राजगुंदा वैली की तरफ। उससे पहले आपको नीचे रिवर का व्यू पॉइंट दिखा कर लाते हैं। और बरोट जो है वो काफ़ी ऑफबीट एक तरह से प्लेस है, ऑफबीट मींस के यहाँ पर काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं। तो अगर आप लोग शांति पसंद हैं, आपको भी ऐसे एरिया में आकर कुछ देर इसको इंजॉय करना है,
नेचर को इंजॉय करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ये सारी रात यहाँ पर रहते हैं अभी, तो इनका फ़ायदा ये होता है कि ये कोई दूसरे जानवर को फिर अंदर नहीं आने देते, तो इसी सेफ्टी भी है और इस और इनसे थोड़ा सा आपको बचकर भी रहना। एक ये है और तीन वहाँ पर बैठे हैं, टोटल 6-7 है यहाँ पर ऐसे पहाड़ी कुत्ते। तो अभी यहाँ पर बनाएंगे अपनी चाय और ब्रेकफास्ट। क्या लोकेशन है अभी, यहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा है इसलिए हमें ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ रहा है। अभी हवा को रोकेंगे फिर ही चाय अच्छी बनेगी। चकदे। ब्रेकफास्ट और चाय हमारी हो चुकी है तो अभी हम नीचे आए हैं रिवर के पास थोड़ा सा इंजॉय करने। ठीक है, ये जो यहाँ पर रिवर है इसका नाम है ऊहल रिवर। ऊहल रिवर ऊपर ग्लेशियर से आती है, यहाँ से आगे थमसर पास आता है, वहाँ से ग्लेशियर से ये ठंडा पानी आता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। अब हम आगे जाएंगे जब राजगुंदा की तरफ, आगे यहाँ से 20 किलोमीटर है तो वहाँ पर भी हमें यही रिवर मिलने वाली है। राजगुंदा से आगे आप लोग बीर बिलिंग की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी रास्ता खुल चुका है पर थोड़ा सा ख़राब रोड। बाकी राजगुंदा से एक पैदल रास्ता जाता है बड़ा बंगाल की तरफ। बड़ा बंगाल एक हिमाचल में विलेज है जहाँ पर लोग रहते हैं, बट वहाँ तक कोई रोड नहीं जाता, पैदल जाना पड़ता है, 2 दिन का रास्ता है। उसके बीच में आती है पलाचक वैली, तो मोस्टली लोग जो इस तरफ आते हैं वो लोग पलाचक वैली तक जाते हैं, वो शायद 4-6 किलोमीटर का एक रास्ता है। तो हमारी प्लानिंग थी कि पहले हम पलाचक वैली तक जाएंगे, बट अभी यहीं पर ही काफ़ी टाइम हो चुका है, बाकी राजगुंदा जाकर देखते हैं क्या बनता है। बट एरिया बहुत ही अच्छा है, आप लोग घंटों यहां पर बैठकर आराम से इस नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है।
तो चलते हैं अब यहाँ से, अपना सामान समेटते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं और आगे आपको राजगुंदा वैली दिखाते हैं। और हमने यहाँ पर कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, जस्सी ने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो आप लोग उन्हें ज़रूर इन्जॉय करना। अगर आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसा स्टे है अभी हमारा, अब थोड़ी सी साफ़ सफाई कर आपको दिखा देते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं कैंप्स, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है भैया, सो ये हैं अभी कुदरत कैंप्स, एडवेंचर ट्रैकिंग फिशिंग बोनफायर। तो ये रास्ता आगे की तरफ भी जाता है बरोट में। ये यहाँ पर बना हुआ है अभी अंग्रेजों के टाइम की छोटी सी रेल पटरी, ये देखिए, वो थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखो, ये यहाँ से सीधी ऊपर जाती थी एक छोटी सी सामान पहुँचाने के लिए, और इसको बोलते हैं विंच कैंप। तो अभी ये रास्ते में एक छोटा सा झरना आया है, तो यहाँ तक इसका पानी आ रहा है, काफ़ी सुंदर है। और हम आगे जा रहे हैं राजगुंदा की तरफ, ब्रोड से अभी 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं। सो अभी भी राजगुंदा यहाँ से 7 किलोमीटर है, बट भी रास्ता तो काफ़ी छोटा है, काफ़ी ख़राब भी है बीच बीच में से रोड, बट जो नज़ारे हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपको रुकते हुए जाना चाहिए, रुकते हुए जाएं और इन्जॉय करते जाएं इन रास्तों को। हम यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए, अभी 2-3 रास्ते में छोटे छोटे गांव आएंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ही सामान मिलने वाला है बेसिक। तो आप लोगों ने अगर जो कुछ भी ख़रीदना है वो आप लोग बरोड से ही ख़रीद लें, अपना खाने पीने का सामान आगे भी मिल जाता है, बट कुछ खास नहीं मिलेगा, बेसिक चीज़ें ही मिलने वाली हैं। सब्ज़ी वगैरह वहाँ पर, यहाँ पर बहुत होती है, यहाँ पर गोभी, मटर, मूली, इसके हमने पीछे बहुत सारे खेत हैं रास्ते में आए थे। और ऐसी जब ऊंचाई वाली जगह पर आप लोग आते हैं तो रास्ते में पानी वगैरह ज़रूर पीते रहें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुछ ऐसा नज़ारा है अभी यहाँ से, जहाँ मर्जी रुक जाओ आपको ऐसे ही व्यूज़ देखने को मिलेंगे। उन पहाड़ों के पीछे है बिलिंग, जहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होती है। राजगुंदा जाएंगे, उससे आगे ही थोड़ी देर बाद बिलिंग का भी रास्ता है, वो ऊपर जो छोटे छोटे बने हुए हैं घर, वहीं पर कहीं पर होगा राजगुंदा। सो अभी हम फिलहाल हैं नलहोता के पास, अभी भी यहाँ से राजगुंदा 6 किलोमीटर है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे साइड में खेती की हुई है, छोटे छोटे खेत हैं इनके, और छोटे छोटे बीच में बने हुए हैं घर। और ये आ गई छोटी सी वाटर क्रॉसिंग,
और वो सामने राजगुंदा है, अभी बस आ ही चला है। वहाँ पर देखते हैं अगर कोई कैंपिंग साइट अच्छी सी हुई तो वहाँ पर रुकते हैं, वरना नज़ारा तो वैसे भी यहाँ पर बहुत अच्छा है।